नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टेस्ट सीरीज को आप डेली फॉलो करते हैं, हम आगे से कोशिश करेंगे कि डेली एक टेस्ट सीरीज लेके आए, तो आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 500 लाइक कंप्लीट हुई। इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय की स्थापना कुड़िंद पौरव व कत्यूरी संस्कृति संपदा के संग्रह शोध करने के उद्देश्य से की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीबी पंत राजकीय संग्रहालय। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्षेत्रीय राजवंश थे कुड़िंद पौरव कत्यूरी, तो इनकी संस्कृति और संपदा को संग्रह करने के लिए 1979 में स्थापना की जाती है राजकीय संग्रहालय की, जिसका नाम 1989 में रख दिया जाता है गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर, जीबी पंत राजकीय संग्रहालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है 1979 में, और 1989 में इसका नाम चेंज करके रख दिया जाता है गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। ठीक है, वही बात करें अदर ऑप्शन की, तो देखिये यहाँ पर जो है देहरादून वन संग्रहालय, ये जो है उत्तराखंड का सबसे पुराना संग्रहालय है, इसकी स्थापना होती है 1914 में। ठीक है, वही बात करें लोक संस्कृति संग्रहालय, तो ये कहाँ स्थित है, ये है भीमताल में स्थित है लोक संस्कृति संग्रहालय। इसकी स्थापना किसने की थी, यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल ने 1983 में इसकी स्थापना की, और यशोधर मठपाल से आपको याद है कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि कुमाऊं की चित्रकला जो पुस्तक है किसकी है, यशोधर मठपाल की, ये आपको याद रखना है। वही बात करें मौलाराम चित्र संग्रहालय की, तो ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ है, श्रीनगर में स्थित है मौलाराम चित्र संग्रहालय, और यहाँ पर गढ़वाल चित्रकला शैली के जनक मौलाराम के चित्रों का संग्रह रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद कर लेना है। ठीक है, तो बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, हिमालयन फोकलोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारादत्त गैरोलाजी, जो है हिमालयन फोकलोर पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखने में हिमालयन फोकलोर एक और व्यक्ति का इसमें रोल था, जिसका नाम था ई एस ओकले। ठीक है, ई एस ओकले और तारादत्त गैरोला ने साथ में पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है हिमालयन फोकलोर, और ये कब पब्लिश हुई थी, 1935 में ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। देखिए, तारादत्त गैरोला की अन्य पुस्तकें थी, इंग्लिश में एक पुस्तक थी उनकी द सॉन्ग ऑफ दादू, क्या थी, द सॉन्ग ऑफ दादू, ये तारादत्त गैरोला की पुस्तक थी। एक गढ़वाली काव्य पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, सदई नामक, ठीक है, सदई नामक काव्य किसकी रचना है, तो ये भी जो है तारादत्त गैरोला की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भी आपको याद रखना है, पिछले एग्जाम्स में एक उत्तर प्रश्न के ये पूछा जा चुका है, तो आगे भी आने की संभावना है। और तारादत्त गैरोला के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके जानने जरूरी है। देखिए, राय बहादुर की इनको उपाधि मिली थी, राय बहादुर। ठीक है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना की थी 1901 में, और बाद में ये कई समाचार पत्रों के संपादक भी रहे, जैसे गढ़वाल समाचार पत्र, तो ये सब आपको जान लेना है। और 1918 में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कि हुआ था हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में हुआ था कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी थी तारादत्त गैरोला ने। तारादत्त गैरोला के बारे में इतना सारा पॉइंट आपको जान लेना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 2008 में। ठीक है, तो 2008 में पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं का जो आरक्षण है 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50%। मतलब कि अगर 100 सीटें हैं पंचायत की, तो उनमें से 50 जो होंगी आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए। ठीक है, और उत्तराखंड में देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें से प्रथम उसका निकाय जो होता है वो है जिला पंचायत। ठीक है, प्रथम निकाय होता है जिला पंचायत, दूसरा निकाय होता है क्षेत्र पंचायत, ठीक है, और तीसरा आता है ग्राम पंचायत। ठीक है, अगर आप वीडियो वीपीडियो की तैयारी कर रहे हो तो इससे क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। उसमें क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि ग्राम पंचायत में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा। देखिए, ग्राम पंचायत में 5 से कम नहीं हो सकते सदस्य, ठीक है, 5 से कम नहीं हो सकते, और 15 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, ये इसके सदस्यों की संख्या होती है। देखिए, 5 से कम नहीं हो सकते और 15 से अधिक नहीं हो सकते। वही क्षेत्र पंचायत में कहा था, इसमें 20 से कम नहीं हो सकते और 40 से अधिक नहीं हो सकते, क्षेत्र पंचायत की बात। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वीडियो बीपीडियो के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे इसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, और क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। सचिव कौन होता है, इसका सचिव होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर,
क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है, तो सचिव होता है उसका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू था, वो था 4 अप्रैल 2016 को। इसमें संशोधन कब किया गया था, 2019 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट आपको याद कर लेने। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 2006 में कहां से की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर से। ठीक है, श्रीनगर से पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 2006 में। ठीक है, और इसके प्रणेता कौन थे, वो थे हरक सिंह रावत। ठीक है, हरक सिंह रावत इसके प्रणेता थे। और इसके तहत जो है पर्यावरण संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया था और खुले में कूड़ा फेंकने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। और पर्यावरण संबंधी जागरूकता अभियान की बात करें तो एक और अभियान आपको याद रखना है, 1960 में स्थापना हुई थी इको क्लब की। ठीक है, इको क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन है, मतलब कि जो अनुसंधान और विभाग दिए गए हैं इनमें से सबसे पुराना कौन सा विभाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है सबसे पुराना है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1767 में। कहां इसकी स्थापना होती है, बंगाल में इसकी स्थापना की जाती है। और 1942 में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। और तब से इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में स्थित है। और इसके जो फर्स्ट सर्वेयर थे वो थे मेजर रेनल। ठीक है, रेनल जो थे इसके फर्स्ट सर्वेयर थे। और जो माउंट एवरेस्ट थे जिनके नाम पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी इसके महासर्वेक्षक रहे थे। ठीक है, अन्य ऑप्शन की बात करें तो देखिए भारतीय वन अनुसंधान, इसकी स्थापना होती है 1906 में। और भारतीय रक्षा अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है, 1767 में स्थापना होती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बंगाल में, और 1942 में इसका ट्रांसफर किया जाता है देहरादून में। ठीक है, और तब से इसका मुख्यालय कहां स्थित है, देहरादून में। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान की 1906 में और भारतीय रक्षा अकादमी की 1932 में स्थापना हुई थी। तो बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का अर्ल वार्विक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर्षदेव जोशी को। काफी और उपनाम भी थे हर्षदेव जोशी के, आपको याद रखना है, जैसे कि राजनीतिक शिवाजी भी कहा जाता है कुमाऊं का इनको, कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, किंग मेकर के रूप में भी हर्षदेव जोशी को जाना जाता है, और अर्ल ऑफ वार्विक भी कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, क्योंकि देखिए काफी चतुर इंसान थे। ठीक है, और काफी किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, काफी सारे इन्होंने राजाओं को गद्दी में बैठाया। ठीक है, तो इसलिए इनको देखिए कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। काफी कुटिल राजनीति के होने के कारण इनको अर्ल वार्विक भी कहा जाता है। ठीक है, हर्षदेव जोशी का जन्म हुआ था 1747 में। ठीक है, 1747 में इसके पिता का नाम क्या था, शिव देव जोशी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको बस इतना ही याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरारे। ठीक है, देखिए बुक्सा जनजाति में जादू टोना और तंत्र मंत्र विद्या काफी प्रचलित है, तो यहाँ पर जो है जो व्यक्ति होता है जिसे जादू टोना और तंत्र मंत्र की विद्या होती है उसे कहा जाता है भरारी। ठीक है, और बुक्सा जनजाति की बात करें तो देखिए ये मेनली पाई जाती है यूएस नगर, उधमसिंह नगर, नैनीताल और देहरादून के तराई एरियाज में। ठीक है, तो यहाँ पर बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और बुक्सा बहुल क्षेत्र को जैसे कि बनबसा एरिया जो है उसको कहा जाता है बुक्साड़, और बुक्साड़ का उल्लेख जो है आईने अकबरी में भी किया गया है। ठीक है, और बुक्सा जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है चैती मेला। ठीक है, जो कि लगता है काशीपुर, काशीपुर में लगता है चैती मेला, जो कि संबंधित है बुक्सा जनजाति से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नंदा देवी सफल आरोहण किसने किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो सर्वप्रथम बिल टिलमैन और नोएल ओडले ने जो है सफल आरोहण किया था नंदा देवी का। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है, इसकी हाइट है 7,817 मीटर। ठीक है, और ये स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है कामेट पर्वत, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है, इसकी हाइट है 7,756 मीटर। ठीक है, ये भी जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तीसरा नंबर पर आता है नंदा देवी ईस्ट, या जिसे हम सुनंदा भी कहते हैं, तो इसकी हाइट है 7,434 मीटर। ठीक है, तो ये स्थित है 34 मीटर, और ये स्थित है पिथौरागढ़ और चमोली दोनों में ये स्थित है। ठीक है, तो देखिए नंदा देवी की हम बात कर रहे थे, इसमें इसको फतेह करने का सबसे पहले प्रयास किया था टीजी लॉन्गस्टॉप ने। ठीक है, 1905 में इन्होंने इस पर चढ़ाई की थी, और ये जो है पूरा इसमें सफल आरोहण नहीं कर पाया था। ये जो है 5,875 मीटर ही इस पर चढ़ पाया था, और जहां तक ये चढ़ा उसको अब जाना जाता है लॉन्गस्टॉप फॉल के नाम से। ठीक है, और नंदा देवी का सफल आरोहण किया था 1936 में, किसने किया था, बिल टिलमैन और नोएल ओडले ने।
और महिलाओं की बात करें तो 1981 में चंद्रप्रभा एतवाल और हर्षवंती बिष्ट और रेखा शर्मा, इन्होंने जो है नंदा देवी का सफल आरोहण किया था 1981 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद करने हैं। और हाइट जो है इनकी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हाइट आपको जरूर याद कर लेनी है, तीनों की, नंदा देवी की, कामेट की और सुनंदा की। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जापान। ठीक है, जापान के सहयोग से चलाई जा रही है राज्य में जायका परियोजना। तो देखिए, जायका जो है एक जापानीज कंपनी है। ठीक है, तो जायका और उत्तराखंड राज्य सरकार के बीच 807 करोड़ का एक अनुबंध हुआ था 2014 में। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इसके चार उद्देश्य थे। ठीक है, जायका परियोजना के चार उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था इसका वनों का संरक्षण करना। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य था चारागाह का विकास करना, मतलब चारागाह को बढ़ाना। ठीक है, और तीसरा इसका उद्देश्य जो था वो था महिला रोजगार। चौथा इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना। ठीक है, चौथा उद्देश्य था ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना। और जायका परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। जायका जो है एक जापानीज कंपनी है जिसने अनुबंध किया था 807 करोड़ का उत्तराखंड से 2014 में। ठीक है, तो जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? जापान के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, तजुक ए जहांगीर में किस चंद शासक का अकबर के साथ भेंट का वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रचंद। ठीक है, तो तजुक ए जहांगीर में रुद्रचंद और अकबर की भेंट का वर्णन मिलता है। तो देखिए, तजुक ए जहांगीर जो है आत्मकथा है किसकी? जहांगीर की। ठीक है, और इसी तजुक ए जहांगीर में अकबर और रुद्रचंद की भेंट का वर्णन मिलता है। और अकबर और रुद्रचंद की भेंट का जो वर्णन मिलता है वो अकबरनामा में भी मिलता है। उसमें लिखा गया है कि 1588 में अकबर और रुद्रचंद की भेंट हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में उनकी भेंट हुई। ठीक है, कब हुई थी? 1588 ईस्वी में। ठीक है, रुद्रचंद का समकालीन था अकबर, और रुद्रचंद जो है अकबर को जब भेंट की थी उसने, तो रुद्रचंद ने उस टाइम पे अकबर को तिब्बती याक और कस्तूरी मृग के खालू को जो है भेंट किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना था कि किसने अकबर को तिब्बती याक और कस्तूरी हिरणों की खाले भेंट की थी, तो वो की थी रुद्रचंद ने। ठीक है, देखिए, रुद्रचंद की बात करते, उसका शासनकाल था 1565 से 1597। ठीक है, तो इसी ने जो है रुद्रपुर शहर बसाया था, और रुद्रचंद ने देखिए चौथानी नामक ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। रुद्रचंद का एक सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, जो कि मारा गया था किसमें? बधाणगढ़ के युद्ध में। ठीक है, बधाणगढ़ के युद्ध में कौन मारा गया था? रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत। ये भी पूछा जाता है पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था, तो रुद्रचंद का सेनापति था। और किस युद्ध में मारा गया? बधाणगढ़ के युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा गया। तो ये थे फ्रेंड्स उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चन। आई होप यू वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।